वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों मैं आप लोग के लिए आज एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ साथ जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसे आप ऐसे क्वेश्चन को बस देखते ही आंसर दे दोगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। देखो तो ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे हर बार पूछी जाती है। आप देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा जब आप एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बिना टाइम गवाए हमें अटेम्प्ट करना है। देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है 30+√30+√30 और ये कहां तक गया है, इनफिनाइट तक। मतलब शर्त क्या है कि ये कहां तक जाना चाहिए, इनफिनाइट तक जाना चाहिए, है ना, तभी ये ट्रिक लगेगा। देखो कौन सा ट्रिक है बाबू, यहां पर कुछ नहीं करना है, ऐसे नंबर को सोचना है कि दो नंबर में रखना है इसको, इसको दो भागों में बांटना है जिसका बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 30 हो जाए। तब ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे नंबर में यहां पर करना है 5 और 6। 5 6 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, और वहां पर इंटू करने पे 30 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हो सकते हो कि इसमें आंसर, लेकिन अब कंफ्यूजन हो जाओगे कि दोनों में आंसर है कौन। तो कुछ नहीं करना है यहां पर, बस आपको ध्यान देना है कि जो नंबर बड़ा हो साइन उसको दे दो, और जो नंबर छोटा हो उसका अपोजिट साइन दे दो। और याद बताना बाबू कि कभी भी जो साइटी आंसर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, आंसर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो साइन यहां रहेगा, फिर रिपीट कर रहे हैं, जो साइन यहां रहेगा वो बड़े वाले नंबर में, और इसका अपोजिट छोटे वाले नंबर में दे देंगे। तो हमें तो बस आंसर से मतलब है, आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगली समझ आए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन में आप सोचेंगे इसको दो भागों में बांटना है, जिसको मल्टीप्लाई का कितना आना चाहिए, वो नंबर आनी चाहिए जो रूट अंडर में है, और वहां पर दोनों का बीच का डिफरेंस 1 होनी चाहिए। तो क्या नंबर है यहाँ पर देखोगे, दो नंबर सोचनी है ना हमें, अगर नहीं आ रहा है दो नंबर, क्या करोगे, इसका फैक्टर कर लोगे, है ना, इसका फैक्टर क्या पता कर सकते हो कि बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए या नहीं। देखोगे अगर 110 का हम फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 5, फिर अब 2 से तो होगा नहीं 3, 4, 5, 5 से करेंगे 11 बार में, तो मेरे पास दो नंबर मिल गया, 2, 5, 10 और 11 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, और इंटू करोगे क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं मेरा क्या हो जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो बड़े वाले में दे दो, छोटे वाले को माइनस दे दो, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बड़े वाले संख्या हो जाएंगे, मतलब जिसके पास प्लस है वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब कितने बच्चे बोलेंगे, सर अगर यहाँ पर प्लस था तो आपने आसानी से बना दिया, अगर माइनस होता क्या होगा, तो बाबू कुछ घबराना नहीं है, दोनों का ही रूल क्या होता है, सेम होता है, दोनों का ही रूल क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या है, इसको भी दो भागों में बांटोगे, इसको भी दो भागों में बांटोगे, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को, दो भागों में बांटेंगे, और इसमें जो नंबर्स हैं इसको सोचेंगे डिफरेंस 1 आना चाहिए और इंटू का भी 90 आना चाहिए। अब ऐसे कौन सा नंबर है, तो यहां दिख रहा है 9 और 10, 9 10 से कितना होता है, है ना। तो आप देखोगे यहां पर कि जो छोटा यहां माइनस जो नंबर है, हम क्या बतलाएं कि जो यहां पर नंबर या साइन रहता है, जो साइन रहता है वो बड़े वाले नंबर को दे दी जाती है। तो यहां भी देखोगे माइनस है, माइनस किसको देंगे, बड़ी वाली संख्या का, तो बड़ी वाली संख्या कौन है, ये है, और छोटी वाली क्या करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट दे देंगे। अब मेरा क्या आंसर हो जाएगा, वही 9 हो जाएगा। मतलब याद रखना कि जब यहां माइनस हो तो छोटी वाली संख्या, जब प्लस हो तो बड़ी वाली संख्या आंसर होता है, ठीक है। चलो चलो इसको ट्राई करते हैं ना बाबू। देखो यहां पर अब क्या है, ये दो इसको नंबर बांटेंगे, दो डिवाइड में करेंगे यहां पर, अब क्या होगा, नहीं आ रहा तो क्या बताते हैं कि फैक्टर कर लो, है ना। यहां पर देखोगे 12 और 13 में जब इंटू करोगे कितना होता, 156 होता है, बीच का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। अब बोलो यहां माइनस है, तो माइनस किसको देंगे, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस हम दे देंगे, तो बड़ी वाली संख्या कौन है, 13 है, और छोटी वाली संख्या को उसका अपोजिट कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो हम क्या बताया कि अगर माइनस रहा तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा,
अगर प्लस रहा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा। अब कोई बोलेगा, बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि सर आपने तो यहाँ पर ऐसे नंबर रख दिए हैं जिसका क्या करते हैं कि फैक्टर आराम से दो भागों में बट जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा। अगर कुछ ऐसा नंबर सोचिए कि जिसका परफेक्ट नंबर ना निकल तो वहां पर फैक्टर जिसे मानते हैं, कोई ऐसा नंबर सोच रहे हैं कि बीच का डिफरेंस वन ना हो, मल्टीप्लाई करने में दो नंबर का बीच का डिफरेंस वन ना हो, तो चलिए हम ऐसे क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखोगे थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां पर, इसका आंसर इधर है 12 और 13, ठीक है, इसके माइनस चला गया और ये प्लस, प्लस वाला आंसर हो गया था। देखो ये एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। यहां पर ध्यान दोगे कि रूट थ्री क्या है, ये थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस डैश डैश डैश। आप तो यहां पर तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, थ्री का फैक्टर करते भी हैं, अगर हम थ्री का फैक्टर कितना होगा, 1 2 3 1 या 1 3, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा 1 3 3 1 या 1 3। तो यही बस मेरे पास नंबर मिल रहा है क्योंकि ये प्राइम नंबर खुद ही है, और प्राइम नंबर का एक दो ही फैक्टर होता है, एक खुद होता है और एक वन होता है। तब यहां पर क्या करोगे, यहां पर बीच का डिफरेंस वन है नहीं, तब क्या करते हैं, देखो कुछ मत करना बाबू, ऐसे क्वेश्चन को प्लस करते चलना, ऐसे क्वेश्चन को मान एक्स का दिया है, ऐसे क्वेश्चन को प्लस करते चलना। एक प्लस करो कितना 4, क्या 4 को दो भागों में बांटो, 4 को दो भागों में बांटो, क्या उसका बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो देखो यहां पर 4 का नहीं आ रहा, 2 और 2 होता है इसका, नहीं हो रहा है डिफरेंस। फिर क्या करेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे, ये नहीं कटा, अब चलेंगे इसमें, इसका काम नहीं हुआ, 5 को ट्राई करेंगे, तो 5 मेरे पास नहीं कट रहा है। फिर चलेंगे 6 के पास, देखोगे अब यहां पर जो नंबर 6 प्राप्त हुआ, ये जो नंबर 6 प्राप्त हुआ है, अब देखो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, जो 6 प्राप्त हुआ है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, किसमें, 3 और 2 में, या 2 या 3 में। और बताओ यहां पर क्या है, प्लस है, तो बोले यहां प्लस दे तो आंसर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस परफेक्ट नहीं था, इसको इंक्रीजिंग करते हुए गए थे, तब यहां पर जो आंसर आएगा एक्स का वैल्यू जो आंसर आएगा, ये सारे के सारे जो निकल रहे थे ये किसका निकल रहे थे वैल्यू, ये एक्स का, ये भी एक्स का, मतलब इसमें एक्स बराबर इतना था और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करनी थी, जो आपको एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखो यहां पर 3 और 2 या 2 या 3 जो बोलोगे, तो इसमें आएगा एक्स, यहां पर कहां आएगा, बीच में आएगा, मतलब 3 से क्या होगा छोटा होगा और 2 से क्या होगा बड़ा होगा, या 2 से बड़ा 3 से छोटा, ऐसे भी आप बोल सकते हो, सॉरी यहां पर बाय मिस्टेक ऐसे नहीं होगा, इस तरह से हो सकता, ठीक है। तो आपको ये दोनों आंसर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप को ये प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तथा इसको शेयर करें, तो आपको मेरी आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।